भाई बड़ी आप कितना बज रहा है सर? आज तो 4:40 हो गया। डे 3 का रिव्यू, मतलब आज जो इंटरव्यू दे करके आ रहे बच्चे, आज तो थोड़े कम आए हैं बच्चे। कल हम लोगों ने शायद 20 या 22 इंटरव्यू लिया था। अभी बच्चा मिलने आया है सर, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है। ठीक है, आपका भाई भी कल दे करके गया है, क्या नाम था उसका? सर निहाल। तुम्हारा नाम है? फैजान। फैजान अहमद। तो फैजान से जानते हैं जरा, कितने बजे नंबर था तुम्हारा फैजान? सर 3:25 पे। 3:25 में इंटरव्यू चालू हुआ। और वैसे एक्चुअल टाइम कितने बजे का था? 11:30 का। यस सर। और 3:30 बजे नंबर आया? यस सर। और तुम्हारे बाद कितने लोग थे? और सर वैसे तो ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 7-8 बच्चे थे। 7-8 बच्चे बचे थे। एक बच्चे का कितनी देर तक इंटरव्यू हो रहा है? सर वैसे तो और बच्चों का 2-4 हो रहा था सर, मेरा तो 8-10 लिए। और एक भाई तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है सर? अच्छा लंच हुआ। यस सर 1 सर लंच हुआ था, 2:30 तक बीच में कैब था। ठीक है, 1 से 2:30 तक लंच हुआ। यस सर। ठीक है, तो इन बच्चे कहाँ खाने जाएंगे सर? नहीं उनमें एनर्जी आ गई। तो मैं फिर खाना खाने के लिए गए तो? यस सर घर पे गए थे। तो बोल दिया उन लोगों ने, बोला कि जाइए आप लोग खाना खा लीजिए। हां बोल रहे थे जाइए आप लोग इसको जहां पे। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम। फिर 2:30 बोल रहे थे सब लोग आ जाना, 2:30 तक सब लोग आ जाइए। ये अच्छा काम किया ना, मतलब बच्चा लोग इंतजार कर रहा होता पहले से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कैसा लगा मिंटो सर्कल घूम के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मन कर रहा है कि अब मिंटो सर्कल में पढ़ने का? यस सर मन। चलो अच्छा है। ये बताना मुझे सवाल अब क्या क्या पूछे, कैसे कैसे पूछे? सर पहले जब हम रूम में गए तो गुड मॉर्निंग करके गए अंदर, फिर वहाँ पे खड़े ही थे तो बोल रहे तुम्हारा नाम क्या है? तो सर मैंने खड़े खड़े पूछ लिया। यस सर। सब तो मैंने अपना नाम बताया, तो मिंटो को जो प्रिंसिपल थे वो बोल रहे हैं बैठ जाओ। तो बोले थैंक यू सर। तो बोल रहे हैं नाम अपना लिखो, वहाँ पे कॉपी था तो अपना नाम लिखे। तो बोल रहे हैं आप अलीगढ़ से हैं? तो बोल रहे नहीं सर महाराजगंज से हैं। तो बोल रहे हैं एड्रेस उसमें देखें? तो बोल रहे हैं ठीक है। तो बोल रहे हैं आपके अब्बू क्या हैं? तो बोल रहे सर फार्मर हैं। तब सर फिर बोल रहे हैं आपके इंग्लिश में चल रहा था हिंदी में चल रहा था सर? ऐसे हिंदी इंग्लिश सब मिक्स बोलते हो ऐसे। तो बोल रहे हैं आपके भाई कहाँ पे क्या करते हैं? तो सर बोला मेरा भाई यहीं से कंप्लीट किए हैं 12th और इस साल नीट का एग्जाम था। तो बोल रहे हैं कितना मार्क्स था उनका? तो बोल रहे हैं सर 635। तो बोल रहे हैं उतने में नहीं हुआ? तो सर बगल वाले जो टीचर थे वो बोल रहे हैं सर इस साल थोड़ा हाई चला गया इसलिए नहीं हुआ है। मतलब तो बहुत लफड़े हो गए, इधर उधर मिल रहे थे, पता नहीं उसका क्या हुआ। हाँ। तो बोल रहे हैं आप कहाँ से पढ़े उड़े हैं स्कूल? तो बोल रहे हैं सर अपने गांव से ही पढ़े हैं। तो सर बोल रहे थे कि आप अलीगढ़ कब आएँ? तो सर मैं सर जनरल बातें कर रहे हैं। यस सर। सर बोले मैं आप अलीगढ़ कब आएँ? तब सर मैं बोला जब आप रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था इसका इंटरव्यू का तब आएँ। तो बोल रहे हैं ठीक है। तो बोल रहे हैं आप अलीगढ़ में कहाँ रहते हो? तो सर बोले जमालपुर में। तो बोल रहे सर वो चाइल्ड का पिलर क्या होता है? तो बोले सर चिल्ड्रेन। अच्छा एक चीज़ बताना मुझे कि क्या किसी से ऐसा पूछा कि बच्चा तुम इंटरव्यू की तैयारी वारी करके आए हो कि नहीं आए हो? सर कुछ नहीं पूछे, वैसे जब पहले पूछ रहे सर बाहर कोई बच्चे से बोले नहीं कि ऐसा क्वेश्चन किया, बाकी तुमने पूछा बस यही पूछा सर। किसी से नहीं पूछता, नहीं पूछता, उनको सबको पता है कि हम इंटरव्यू की तैयारी कराने वाले। हमने शुरुआत किया इंटरव्यू की तैयारी कराना, बहुत लोग कराते हैं फ्री फ्री में कराते हैं, हम पैसे लेकर कराते हैं, लेकिन तब भी बच्चे हमारे पास आते हैं। आप जैसे इंटरव्यू कहीं तैयारी कराते भी नहीं है। हाँ ये बात तो मानता हूँ, क्योंकि हम जितनी चीजें करते भी हैं इकट्ठे जो है बच्चे को रूम में ले लेंगे, ऐसे ऐसे करना सब लोगों को, इस तरह कहीं नहीं होता है। हम लोग ना 4 से करा रहे हैं, चौथा सीजन है ये जब हम इंटरव्यू के प्रिपरेशन इतना शानदार था। अब तो और अच्छा, जैसे ये रिव्यू वाला वीडियो का कॉन्सेप्ट ये फिर से लेके आए नया। अब इससे क्या, पहले हम लोग सवाल डालते थे, अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। यस सर। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। यस सर। जब सर बोले मतलब भाई का इतना रैंक आया तो बोल रहे हैं वो तो डॉक्टर हैं, आप क्या बनना चाहते? तो बोले इंजीनियर। तो बोल रहे हैं इंजीनियर की स्पेलिंग लिखो। तो सर लिखा। तो बोल रहे हैं स्पेलिंग बोलो। तो बोला। तो बोल रहे हैं ठीक है सर जाओ। इतने में 7-8 हो गया था। यस सर। सर बस यही सब पूछ रहे थे, वाईफाई क्या है सब क्या। सर हंस हंस के पूछ रहे थे, आराम से बैठ बैठ के पूछ रहे थे। कि खाना खाने के तुरंत बाद आया था तुम्हारा नंबर? नहीं मतलब आया था 8-10 के बाद, आधे घंटे बाद। और तुम्हारे पहले कितने लोगों का हुआ? और सर मेरे पहले वही तो बोल रहा हूँ 8-10 का लगभग हो गया था खाना खाने के बाद। यस सर। अच्छा तुम्हारे बाद कितने लोगों का होना बाकी था? वही बोल जब हम जा रहे थे मतलब निकल रहे थे 2 हो रहा था। हाँ। तो वहाँ से एक टीचर उठ के बोल रहे हैं आपका कितना इंटरव्यू होगा? तो बोल रहे हैं 265। तो बोल रहे हैं सर आपका तो बहुत ज्यादा हो गया, कितने बच्चे बचे? तो बोल रहे हैं लगभग 7-8 बचे हैं। 7-8 बचे होंगे। यस सर। तो मेरे ख्याल 4:30-5 तक चल रहा है इंटरव्यू। हाँ अभी तो सर वही खत्म होने वाला होगा, अभी तो चल ही रहा होगा। चलो अच्छा है, बढ़िया। ठीक है, कुछ बच्चों को कहना चाहोगे अपने बारे में या इमेज क्लास के बारे में? यस सर। सर हम यही कहना चाहेंगे सर वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहो सर, वहाँ पे सर वैसे कुछ पूछ नहीं रहे, हंस हंस के सर बात कर रहे हैं, वहाँ पे डरना नहीं है सर, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना बस सर। बस इमेज क्लास का क्या खास लगा सर? इमेज क्लास में सर तैयारी बहुत अच्छी होती है सर। हम लोग इंट्रेंस के बारे में सर मेरे भाई से पता चला था, पढ़ता है तो सर हम लोग 9th के इंट्रेंस की तैयारी यहीं से किए थे सर। यहाँ पे सर जो रोज़ाना ड्यूटी दे जाती थी, अगले दिन उसका सर
डिस्कशन होता था, जो क्वेश्चन नहीं आया सर यहाँ पे रैंक बूस्टर सीरीज टेस्ट सीरीज मैंने समझदार सर भाई को देना। अब कल तो तुम्हारे चाचा लगे ना अबू हैं, अब अबू हैं कल आपके भाग ने बड़े बड़े देना भाई को देना माइक जरा भाई से जा रहे हैं। सलाम, कहाँ से तुम्हें इमेज क्लास के बारे में पता चला? सर मैं यहाँ 2016 से हूँ। अच्छा, मिंटो में हूँ मैं सिक्स क्लास से। ठीक है सर, सबसे पहले आपके बारे में सर मैं एमयू बूस्टर एक बार सॉल्व किया था, वहाँ से आपके बारे में आपका नाम सब कुछ पता चला था। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे मैं रह रहा हूँ काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए एमयू में रहते हुए। तो फिर मुझे इमेज क्लास के बारे में पता चला, उसका मैं फिर वेबसाइट पे जब ओपन किया तो वहाँ देखा जो भी, मतलब 2 साल तो हुए थे उस टाइम, जो भी रिजल्ट वगैरह देखा अच्छा है, फिर यहाँ कॉल किया तो फिर विजिट किया, नीचे काउंसलिंग हुआ, मैम से बात वात किया, फिर उसके बाद सही लगा। आपने वेबसाइट देखा या यूट्यूब देखा? सर यूट्यूब नहीं देखा, वेबसाइट देखा। यूट्यूब तो एडमिशन के बाद मुझे पता चला कि चैनल है इमेज क्लासेस, मैं सर्च किया इमेज क्लासेस तो वेबसाइट ओपन हुआ, उस पर रिजल्ट वगैरह थे कि इतने हमारे पिछले रिजल्ट ये हुए हैं। बाद में तो मुझे यूट्यूब के बारे में, तो बाद में जब ये लोग का मतलब हो गया एडमिशन, उसके बाद पता चला कि यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पर फिर बाद में देखा। चलिए अच्छा है माशाल्लाह। बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर बाकी लोगों को सजेस्ट किया, सब अपना मेहनत कर, बाकी इमेज क्लास माशाल्लाह तैयारी सबसे बढ़िया मुझे यहाँ के सर के लगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, जो कि प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, मतलब थ्योरी तो सब लोग पढ़ लेते हैं, जब क्वेश्चन करो तो क्लियर बहुत अच्छा हो जाता है, जो भी कोई कॉन्सेप्ट अगर बचा है तो क्लियर हो जाता है, तो वो यहाँ पे बहुत कराए हैं कि साथ में मेरे रह रहे थे उधर लोग, इतना सारे इनका कम से कम अगर वेट कर तो 4-5 किलो का तुम लोग क्वेश्चन सब रखे हैं, इतना सारा क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस हुआ, इतना इतना रखे हैं, तो प्रैक्टिस माशाल्लाह बहुत अच्छी करा, तो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट। बाकी लास्ट में सर इंटरव्यू प्रिपरेशन आ गए थे तो बहुत बढ़िया माशाल्लाह, क्योंकि सर गाँव से थे तो उतना मतलब ठीक है था, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जब इतना लोग इंटरव्यू यहाँ दे दिए तो कॉन्फिडेंट भी हो गया, फिर इनका सब कुछ पता भी चल गया, तो माशाल्लाह इंटरव्यू तो अच्छा गया है। बाकी अल्लाह से दुआ है कि